आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी टेस्टी चूरमा लड्डू और मोदक की रेसिपी। बिना चीनी बिना चाशनी एक ही बार में आप परफेक्ट चूरमा लड्डू बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम, नीलम्स किचन फिएस्टा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, या वही आटा है जिससे हम रोज रोटियां बनाते हैं। इसी के साथ इसमें 1/2 कप बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से चूरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो बिना बेसन के भी आप इसे बना सकते हैं। 1/2 कप सूजी डाल देंगे। अगर आप मार्केट वाले आटे से चूरमा बना रहे हैं तो सूजी 1 कप डाल दीजिए, क्योंकि मार्केट वाला आटा बारीक पिसा होता है। मैं गेहूं चक्की में पिसवाती हूं तो मेरा आटा थोड़ा दरदरा है, इसलिए मैं 1/2 कप ही सूजी डाल रही हूं। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे और अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। घी हमें इतना डालना है कि जब हम इसको मुट्ठी में इस प्रकार से बांधें तो थोड़ा बाइंड होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लेंगे। जितना हो सके उतना सख्त आटा हमें गूंथना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे आटा गीला ना हो। तो इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है। अब इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटे बाद अभी आटा सेट हो गया है। अब हम इसमें से लड्डू जितना पोर्शन लेंगे और इस तरह से रोल करके उंगली से प्रेस करके मुठिया बना लेना है, जैसा कि मैं बना रही हूँ। मुठिया थोड़ा छोटा छोटा ही बनाएं जिससे इन्हें पकने में आसानी हो। ऐसे ही हमें सभी आटे की मुठिया बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने सभी मुठिया बनाकर रेडी कर ली है। अब गैस पर 1 कढ़ाई रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अभी इसमें 25-30 बादाम डालकर 2 मिनट भून लेंगे। जब बादाम चटकने लगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी इसमें थोड़े से अखरोट डालकर इन्हें भी भून लेंगे। 1 मिनट बाद इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही 25-30 काजू डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी काजू भी इसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी मैंने नारियल का गोला 1 टेबल स्पून कट करके रखा है, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसकी जगह आप डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का कोई भी डाल सकते हैं, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के आप चूरमा लड्डू बना सकते हैं। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश बारीक काट कर डाल देंगे। 30 सेकेंड इन्हें भी भून लेंगे, फिर इन्हें निकाल लेंगे। किशमिश हम अलग बर्तन में निकालेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1.5 कप घी और डाल देंगे। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें मुठिया जो हमने बना कर रखी है डाल देंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी मुठिया भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी की मुठिया भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने सभी मुठिया फ्राई कर ली है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूंगी। अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये मुठिया रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब हम इन्हें थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक इन्हें हमें नहीं ग्राइंड करना है। तो इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसको छलनी से छान लेंगे। इसे हमें मोटी वाली छलनी से छानना है। छलनी में चार तरह की जाली होती है, एक जिससे हम मैदा छानते हैं, दूसरा घर में जो हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा छानते हैं, तीसरे नंबर की छलनी में आटे वाली छलनी से थोड़े बड़े होल होते हैं, उससे हमें इसे छान लेना है, चौथे नंबर वाली छलनी में होल थोड़ा ज़्यादा ही बड़े होते हैं, जिससे हम दाल वगैरह छानते हैं, तो उसे हमें नहीं यूज करना है। अब इसमें जो थोड़े से टुकड़े बचे हैं इनको भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसी के साथ बाकी की बची हुई मुठिया भी ग्राइंड कर लेंगे। अब इन्हें भी छान लेंगे। तो इस तरह से चूरमा ग्राइंड हो गया है। अब हमने जो ड्राई नट्स भून कर रखे थे इन्हें भी दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अभी इसे चूरमे वाले मिक्सर में डाल देंगे। किशमिश को हमें ऐसे ही डाल देना है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में जो घी बचा है उसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे और आधा कप घी उसी में रहने देंगे। अब गैस ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम लो पर रखेंगे। घी को गर्म नहीं करेंगे। गैस ऑन करते ही इसमें एक कप गुड़ डाल देंगे। आप गुड़ कद्दूकस करके डालिए, जिससे गुड़ मेल्ट होने में टाइम ना लगे। मैंने जो गुड़ लिया है वह पिघला पिघला है, क्योंकि जब मैंने गुड़ मंगाया था तो जहाँ गुड़ बनाते हैं वहाँ से मंगाया था, तो गुड़ काफ़ी गर्म था। मैंने उसे बाहर निकाल कर ठंडा नहीं किया और पॉलीथीन में पड़ा रह गया और इस तरह से पिघल गया। गुड़ को हमें एक दो मिनट ही थोड़ा गर्म करना है। जब यह इस प्रकार से मेल्ट हो जाए तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। इसे पकाना नहीं है, ना ही चाशनी बनानी है, वरना चूरमा हार्ड बनेंगे। अब इन्हें तुरंत ही चूरमे वाले मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अभी थोड़े गर्म हैं तो इन्हें करछी से ही मिक्स कर लीजिए। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथ में लेकर इसके लड्डू बना लेंगे। यह बहुत ही इजी बन जाता है। अगर आपका मिक्सर बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। या फिर इस तरह से आपके पास मिठाई बनाने वाला मोल्ड है तो इससे भी मिठाई बना सकते हैं। यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप इसे मोदक बनाना चाहती हैं तो मोदक मोल्ड में इस तरह से दबा दबा कर भर लीजिए और इसके मोदक बना लीजिए। आप इसे 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। या फिर आप इसे इस तरह से मोदक मोल्ड में अच्छे से दबा दबा कर भर लीजिए और इसके मोदक बना लीजिए। आप इसे 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इन्हें बनाने में हमने दूध और पानी का यूज नहीं किया है तो यह लंबे समय तक चल जाएगा। अभी हमारा चूरमा लड्डू और मोदक रेडी है। आप इसे गणपति बप्पा को भोग लगाइए या फिर ऐसे ही खाइए। बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है चूरमा लड्डू की यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए
जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इन्जॉय कीजिए।